बापू बापू मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी कर लूँगी तो मेरे घर का पॉम पॉम वाला नाइट लाइट कौन जलाएगा। आज एक बेटी अपने परिवार से, अपने माँ से, अपने बाप से जुदा हो जाएगी। भूख भी लगी है, सुबह से कोई खाने भी नहीं दे रहा है। मेरी शादी के बाद तेरे साथ कौन खेलेगा। सुना है कि शादी के बाद अगर कोई काम ना आए तो सास लोग कपड़े में आग लगा के मार देते हैं बहू को। मुझे तो कोई काम नहीं आता, इसका मतलब मुझे मार देंगे। मैं शादी नहीं करूँगी। बुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार। मुझे शादी नहीं करना, मैं बोर्ड के एग्जाम में फेल होगी इसलिए आप शादी दे रहे हो। तो मेरे मैं मन लगा के पढ़ूंगी पापा, सॉरी मैं शादी नहीं करूंगी पापा। ऐसा जुलूम मत कर माँ, ऐसा जुलूम मत कर माँ। मैं तेरी बेटी हूँ, ये तूने क्या किया, जंजीरों में बांध दिया मुझे माँ। अरे माँ ओह माय गॉड, खुद की शादी में एक मिनट बैठने का टाइम नहीं है, मुझे फुर्सत ही नहीं है। अरे मम्मी वो मेहंदी वाली आंटी आ गई क्या? मैंने आपसे डिस्कस किया था ना पहले भैया जी, मैंने आपको बोला था कि इधर सब व्हाइट कलर का फ्लावर्स लगेगा, आपने रेड और येलो लगा दिए। भैया जी शादी किसकी है? मेरी। तो मेरी सुनिए ना, दूसरों की मत सुनिए। आप ये फ्लावर फिर से निकालिए और व्हाइट कलर का फ्लावर लगाइए। मेरी शादी है, एकदम प्रॉपर होनी चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ, ठीक है। सुनो खाने का प्लेट वहाँ लगेगा, उधर जाओ, उधर बूफे लगेगा, जाओ। ओके तो तुम ही शूट करोगे ना सारा वेडिंग वीडियो? ओके तो सुनो, मैं उधर से आऊंगी डांस करते करते, एंड मुझे पूरा वीडियो चाहिए। ओके पूरा और अच्छे से चाहिए। मैंने 30,000 दिए हैं आपको। अरे लाइट वाले भैया सुनिए ना, ये वाला लाइट चेंज कर दीजिए ठीक है, इसके बदले में येलो वाला लगा दीजिए ठीक है। और जब मैं एंट्री करूंगी ना स्टेज पे तब पूरा लाइट का फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए, जितना लाइट है सब मेरे ऊपर दे देना ठीक है। हाँ ओके गर्ल्स देखो मेरी तरफ, सब एक कलर का लहंगा पहनना और माँ ही वे में जब मेरा माही आएगा तब माही वे में कमर हिलाना। ओके मैंने डांस सिखा दिया है ना 105 बार। हाँ प्रैक्टिस हो गई ना, पहले मैं हिलाऊंगी फिर आप लोग हिलाना ठीक है। गर्ल्स सुनो, जब मैं ऐसे करूंगी मेरी सैया सुपरस्टार, हाँ तब आप लोग ना मेरे ऊपर फ्लावर देना ओके, बहुत अच्छा लगेगा। छुटकी सुन, वो मेकअप वाली को फोन कर दे, 5 बजे आने के लिए बोलना ठीक है। अरे एक सेरीडॉन लाओ यार, मेरा सर में दर्द हो रहा है। ए बच्चा उधर मत दौड़ो, वहाँ मेरा स्टेज सज रहा है, हटो वहाँ से हटो। उफ पता नहीं यार क्या होने वाला है आज, पता नहीं ये सब कैसे कंप्लीट होगा। आज कंप्लीट होगा क्या? आज ही मेरी शादी है, आज ही कंप्लीट करवाना है आप सब लोगों को। पता नहीं जिंदगी में शादी एक बार ही होती है, यहाँ अभी तक कुछ कंप्लीट नहीं है। अगर मेरी शादी में कुछ छूट गया ना मैं सबको बता रही हूँ, फिर से खर्चा करवा के शादी करूँगी मैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार एट ऑल, मुझे ये शादी करनी ही नहीं थी, ज़बरदस्ती शादी दिला रहे हैं यार। अजीब बात है, अच्छा लड़का मिल गया शादी कर लो, ये कोई बात हुई क्या? सरकारी नौकरी करता है और मेरी लाइफ का क्या? मेरी लाइफ में जो ये लगा दिया इसका क्या? आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। ये लो इसी की कमी थी, तुम्हारे होने वाले जीजा जी का कॉल आ रहा है। इसको बोल, इस पागल को बोल मुझे फोन ना करे ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं इसको गाली बक दूंगी। सुबह से परेशान कर रहा है वीडियो कॉल में, ये देख लो ये देख लो, ये सजा रहा है वो सजा रहा है, हमारा घर कैसे। मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना, ना ही मुझे उसमें इंटरेस्ट है ना ही उसके घर में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। हाँ बोल दिया बस यही सोच के कि फ्यूचर पक्का हो जाएगा, सरकारी नौकरी करता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार ऊपर से इतनी गर्मी लग रही है, फैन चलाओ रहे। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे फोटो भी नहीं खींचना, वीडियो भी नहीं करना। ये देखो ये खुल भी रहा है यार, ये भी बोल रहा है ये शादी मंजूर नहीं है, इनको भी ज्वेलरी को भी शादी मंजूर नहीं है यार। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार मुझे शादी नहीं क्या हुआ भाई साहब, फोटो खींच रहे हैं? हाँ एक याद मारूंगी, उधर उधर के फोटो खींचो। साला आंखों में फ्लैश दे रहे हैं। Oh no! I'm not interested यार। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? इसको बोल ठीक है कि मैं सिर्फ पापा की वजह से इससे शादी कर रही हूँ। बच्चा मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन। फिर से तू वो मरने मुरने की बात बोल रहा है यार। देख प्यार मैंने भी किया है तुझसे, हाँ, और ये मैं खुशी से शादी नहीं कर रही हूँ इसके साथ ठीक है। पहले तो तू ये मरने मुरने का बात छोड़, ठीक है। मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आ रहा है, ये 2 किलो वजन का मुझे गहना और कपड़ा पहना दिया इन लोगों ने, फिर यहाँ बिठा दिया मुझे। ए सुन, तेरा मेरा रिश्ता क्या है? क्या है? मैंने क्या बोला था? फेविकॉल का जोड़ है, ऐसे नहीं टूटेगा। और ये तू क्या बोल रहा है कि तू भूल जाएगी मुझे? मैं तुझे भूल जाऊंगी क्या? ऐसे प्यार नहीं किया मैंने तुझसे, ठीक है। दिल से प्यार किया मैंने, दिल ठोक के प्यार किया है तुझसे। वो तो पापा का हार्ट अटैक आ गया, इसीलिए मुझे शादी करना पड़ रहा है। हाँ, और तेरा मेरा रिश्ता एक जन्म का नहीं है बच्चा, तेरा मेरा रिश्ता 7 जन्मों का है, ऐसे नहीं टूटेगा। बात तो सुन तो, जबरदस्ती शादी दे रहे हैं मेरे पापा। पापा ने लड़का देखा, मैंने बोला नहीं, मैं रमेश से प्यार करती हूँ। फिर पापा ने बोला ठीक है, लड़का क्या करता है? जैसे ही मैंने बोला कि वो ऑटो चलाता है, बस उनको हार्ट अटैक आ गया, लेट गए जमीन पे। जब मैंने घबरा के बोला कि पापा ठीक है, आप जिससे बोलोगे मैं उसी से शादी करूंगी, बस सडनली वो ठीक हो गए, बस हंसने लगे उठ के, शादी की तैयारी स्टार्ट कर दिया। थ्री टाइम उठ के कैटरर को, लाइट वाले को और पैंडल वालों को फोन लगा दिया कि हाँ मेरी बेटी की शादी है। उसी क्षण मम्मी तो जुबान पे ताला मार रही है, बात ही नहीं कर रही है मुझसे। पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया। भाग जाऊंगी मैं, आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरा ये दिल रमेश को दिया है, और मैं रमेश को छोड़ के किसी और से नहीं। रमेश नहीं, क्या है सुरेश, नहीं क्या है? ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरी शादी दे रहे हैं ये लोग, और सोच रहे हैं शायद मैं खुश रहूंगी। लेकिन मैं खुश नहीं रहूंगी, और मैं खुश रहने भी नहीं दूंगी उस हरामजादे को, तो मेरे साथ शादी करने के लिए इतना उछल रहा है। आएगा ना सुहागरात पे दूध लेके, दूध में चूहे मारने वाला जहर मिला दूंगी और उसको पिला दूंगी, और फिर मैं भाग जाऊंगी। हाँ, मैं भाग जाऊंगी, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। मैंने, क्योंकि मैंने ये मेरा दिल ना, मैंने मेरा दिल सुरेश को दिया है, और मैं सुरेश को छोड़ के किसी से शादी नहीं कर सकती, किसी से भी नहीं। और वो कमीना अगर मुझे छूने आएगा ना, मैं ऐसे दीवार पे उठ के, वो फैन से लटक के ऐसे मर जाऊंगी, फिर भूत होके सबको सताऊंगी, सबको। पता है बोल रहा है कि तू नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मैं भागूंगी, इधर से ना हो मैं उधर से भागूंगी, है ना, ऐसे खिड़की से छलांग लगा दूंगी। मैं तो भागूंगी, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं भागूंगी। हाँ, उसके घर से भाग जाऊंगी रमेश के साथ, और ऑटो तो है ही, ऑटो में बस बैठ जाऊंगी, फिर निकल जाऊंगी। ये मेरा रमेश का फोन आ रहा है। हेलो बच्चा, तू अभी भी जिंदा है? हाँ, क्या तू मुझे लेने आया है? मेरा राजा मुझे लेने आया है, वो भी ऑटो में। तो मैं भागूंगी, मैं खिड़की से छलांग लगा दूंगी, तू मुझे पकड़ लेना, ठीक है? अरे मैं तो भूल ही गई, आप जो लोग मेरी शादी में आए हो ना, खाना खा के जाना। हाँ, मैं भाग रही हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो एक लाइक करके जाना, और कमेंट में बता के जाना कैसा लगा वीडियो। मेरा रमेश खड़ा है, मैं जा रही हूँ, आप लोग खा के जाना, ठीक है? और मेरे पापा को बता देना मैं भाग गई खिड़की से। हाँ।